अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम ऑन द शफा टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू। आई एम गोइंग टू डिलीवर इंग्लिश लेक्चर फॉर क्लास 8। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी आर रीडिंग टुडे चैप्टर नंबर 2, दैट इज लाइफ, एंड वी हैव कंप्लीटेड इट्स रेसिटेशन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू इट्स एक्सरसाइज। वी आर गोइंग टू डू इट्स क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट वाज द अर्थ्स रिप्लाई टू द क्वेश्चन पुट फोर्थ टू हर बाय द विंड। एंड आई विल राइट दिस आंसर on the blackboard for you people, and hope that you will write these answers on your notebook. Question number 4, the earth replied to the wind that why are you indulging in these matters? In these matters, they will make you the meaning of life, for me is process of give and take. I distribute it among them. I distribute पागल बना देंगे।
स्टडीज, आप अपने आप को इन चीजों में क्यों महाव रखती हो, क्यों इनमें डालती हो अपने आप को, ये चीजें दे बिल में क्यों मिल गई, आपको बिल्कुल पागल होना चाहिए। नाउ यू हैव आस्क्ड, अब जब आपने पूछ लिया मुझसे, लिसन, अब सुनो, द मीनिंग ऑफ द लाइफ फॉर मी, ये जिंदगी का माना मेरे सामने ये है, द प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक, ये लेन देन की अमल है, लेन देन। ये क्या क्यों कह रहे हैं इसे लेन देन की अमल है, व्हाटएवर वाटर आई रिसीव फ्रॉम क्लाउड, जितनी जितना पानी मैं बादलों से हासिल करती हूँ, जमीन जिसे कहती है, आई डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल्स अपॉन मी, मैं बहुत न्यूमरस लातेदार पौधों और हैवानों में तकसीम करती हूँ जो मुझ पे है, जो मुझ पे रह रहे हैं, मैं उनमें ये तकसीम करती हूँ। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वाज द लिटिल गर्ल, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग व्हेन द विंड सॉ हर, ये लिटिल गर्ल, छोटी ये बच्ची क्या कर रही थी जब विंड ने उसको देखा। एंड मैं इसका जवाब लिखने जा रहा हूं, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, द लिटिल गर्ल दे लिटिल गर्ल वाज लाइटिंग अप द लैंप्स, लैंप्स विच वर यर्निंग टू बी, which were yearning to wake with a lamp, in her hand, which was जलाती थी, जो बिल्कुल जिनकी ख्वाहिश थी, जो जलना चाहती थी, जिनमें तेल था, जो बिल्कुल तैयार बैठे थे कि हमें कोई जलाए, वो वही लैंप जला रही थी, वो छोटी बच्ची जो बिल्कुल तैयार बैठे थे उस लैंप से, जो उसके हाथ में पहले ही जला हुआ था। ये हुआ है जवाब आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, 5 का। अब रहेंगे 2 क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह हम कल ये करने जा रहे हैं। It is enough for today. Hope that we meet tomorrow, inshallah, in the same class. Thank you. Goodbye. Have a nice day.